ड्रामा क्वीन राखी सावंत एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में उन्होंने मक्का मदीना का दौरा किया और लोगों से दरख्वास्त की कि वह उन्हें राखी सावंत के नाम से नहीं बल्कि फातिमा कहकर संबोधित करें, क्योंकि चंद महीनों पहले हसीना ने अपना धर्म परिवर्तन कर आदिल खान दुरानी के साथ निकाह रचाया था और तभी उनका नाम राखी सावंत से फातिमा रख दिया गया था। उमराह के दौरान राखी सावंत का लुक बिल्कुल अलग था, वह बुर्का पहन के नजर आई थी, लेकिन अब राखी सावंत ने पलटी मार ली है और अब वह फातिमा नहीं बल्कि अपनी पुरानी वाली राखी सावंत के फॉर्म में लौट आई हैं और अपनी वही बेबाक और चुलबुले अंदाज में पेपराजी से मिल रही हैं। और राखी के बदले हुए रूप को देखकर नेटिजंस का माथा ठनक गया है और उन्होंने हसीना के ऊपर कमेंट्स की बौछार कर डाली। एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा, आपका बुर्का कहाँ गया दीदी। एक और यूजर ने कहा, क्यों मजाक बना रही हो, तुम नहीं सुधरोगी। एक और अन्य यूजर ने राखी को खरी खोटी सुनाते हुए कहा, यह आंटी उमराह करके आई है, वहाँ जाकर भी मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। अरे आंटी, एक ही मजहब की हो जाओ, कभी हिंदू कभी क्रिश्चियन कभी मुसलमान, क्यों मजाक बना रखा है। साथ ही हसीना को एयरपोर्ट पर भी स्पॉट किया गया, वहाँ हसीना ने अपने पति आदिल खान दुरानी को नल्ला कहा था। इससे पहले भी राखी ने आदिल के ऊपर आरोप लगाए थे कि उन्होंने हसीना को मारने की कोशिश की थी। इसी सब के चलते राखी सावंत का राजश्री और शर्लिन चोपड़ा के साथ भी 36 का आंकड़ा बना हुआ है। खैर, राखी सावंत के इस अवतार को लेकर आपका क्या कहना है?